नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो इस वीडियो में पेड़ देख रहे हैं ना, इसी पेड़ के पत्ती के फायदे के बारे में बात हम करेंगे। आप इस पत्ती को अच्छी तरह जानते भी होंगे। इस पेड़ के बारे में तो हर एक लोग जानते हैं, हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इस पेड़ से परिचित है। तो दोस्तों, इसी पेड़ के बारे में हम बात करेंगे और इसके देख लीजिए इस तरह से पत्ती होते हैं। और इसके दोस्तों पेड़ तो होते हैं फायदे, यह पेड़ जो होते हैं ना बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग लकड़ी होता है, जिसे कि हम शीशम की लकड़ी से जानते हैं। शीशम की लकड़ी हर कोई जानता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही मजबूत होता है, जो कि हमारे घर में फर्नीचर बेड में इसका बनाया जाता है और सालों साल तक ये मजबूती बना रहता है। तो दोस्तों, शीशम का पेड़ तो हर कोई जानते हैं, हर कोई पहचानते हैं, लेकिन दोस्तों इसके पत्ती के फायदे जानते हैं? नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग इसके पत्ती के औषधि गुणों के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज जो बताएंगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक भी कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और जिसकी वजह से आपके लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको विस्तार से हम जान लेते हैं, शीशम की पत्ती के फायदे। ये देख लीजिए दोस्तों, इसके फल हैं, इसके इस तरह से फल होते हैं, इसके अंदर बीज होता है। जी हाँ दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, यह फल है और यह पकने के बाद इसके अंदर बीज भी होता है। तो दोस्तों, इसके फल बीज और पत्ते आप देख ही लिए, और लकड़ी तो आप जानते ही हैं इसके कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, इसके पत्ती के बहुत सारे फायदे होते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत पहले से इसका प्रयोग किया जाता था और अभी भी करते हैं, लेकिन दोस्तों जानकारी ना होने की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको शीशम की पत्ती के ही फायदे के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, यह सबसे अच्छी बात है कि यह आपको सालों भर मिलता है। इसके जो पत्ती होते हैं ना, आपको सालों भर आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप इसका प्रयोग करके आप कई सारे बीमारी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक रुपया का खर्च नहीं है, आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे बीमारी, गंभीर से गंभीर बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे जो पुरुषों में जो हो जाता है ना, उसको आप कैसे दूर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फ्री दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल ढंग से। और यह जो है ना, एक रुपया आपको खर्च नहीं करना होगा, बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल प्राकृतिक का एक वरदान समझ लीजिए, या एकदम बिल्कुल नेचर का दिया हुआ एक औषधि समझ लीजिए, उसका आप प्रयोग करके ये बहुत सारी बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप भारत के किसी भी प्रांत में रहता हो, किसी भी राज्य में रहते हो, हर जगह यह शीशम का पेड़ देखने को मिल जाता है। चाहे आपके रोड के किनारे या खेत खलिहान में, बहुत सारे लोग इसको लगा अपने खेत के या बगीचे में बहुत सारे अधिक मात्रा में इसको लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों यह लकड़ी जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत कीमती होता है, बहुत ही महंगा बिकता है। इस पर्पज़ से भी लोग अपने बगीचे में खेत में लगाते हैं। आप देख लीजिए इस तरह से इसके मोटे, इससे भी कई गुना मोटे होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग लकड़ी होता है। तो के लिए या महिलाओं में जो चिपचिपा पानी होता है, जिसे लिक्विडिया कहते हैं, सफ़ेद पानी आने की समस्या होता है, उसको दूर करने के लिए, या फिर दोस्तों आँखों के लेकर के कोई समस्या हो, जैसे आँख में लालिमा हो जाता है, जलन होता है, दर्द होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उनको दूर करने के लिए शीशम का पत्ती बेहतरीन औषधि है। और इसके जो तासीर होते हैं ना, बहुत ही ठंडे होते हैं दोस्तों। और जैसे कि किसी को पेट में जलन हो रहा हो या फिर पेट में गर्मी हो, उसको भी सही करने के लिए इस शीशम का पत्ती बहुत बेहतरीन औषधि, दिव्य औषधि है, चमत्कारी औषधि है। कि मैंने बताया पेट, पेट में जैसे कब्ज, एसिडिटी, गैस बनने की समस्या, या फिर भयंकर से भयंकर कब्ज हो गया हो, दर्द हो रहा हो, तो दोस्तों उनके लिए भी बहुत बेहतरीन औषधि है। तो फायदे की बात करें, आप सबसे पहले इसकी पत्ती 10 से 15 पत्ती, आप ताज़ा पत्ती मिले आप ले आइए और उसको सिलवट्टे पे रख करके हल्का पानी मिला करके इसको पीसिए। जब पीसेंगे ना दोस्तों, इसमें चिपचिपा टाइप से होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे गम होता है ना, उस तरह से आप चिपचिपा इसमें होगा। तो दोस्तों, पीस करके इसका रस निकाल लेंगे एक गिलास के बराबर, और इसके बाद एक गिलास नहीं तो दोस्तों एक कप आप निकाल लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, अपने स्वाद के अनुसार उसमें मिश्री मिक्स करना है।
दोस्तों मिश्री मिक्स करने का मतलब है कि इसका आपको होता है क्या ना, हल्का ये कड़वा लगता है जो कि आपको, लेकिन दोस्तों कड़वा लगने से क्या, आपको अगर बीमारी सही करना है तो थोड़ा कड़वा पीना पड़ेगा, और उसमें दोस्तों हल्का सा मिश्री मिला लें। इसके बाद दोस्तों इसको सेवन कर लीजिए। तो दोस्तों ये आप पी लीजिए। इस तरह से अगर आप करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं, और दोस्तों अगर ये आपको सिलबट्टे पे नहीं पीस सकते हैं तो ग्राइंडर में हल्का पानी डाल करके आप पीस करके इसको इसी तरह मिश्री मिला करके एक कप तैयार कर लें और उसका सेवन करें। इस तरह से दोस्तों कंटिन्यू आप अगर 10 से 15 या 20 दिन तक आप कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो आपको जो किसी भी प्रकार की समस्या है, अनहोनी ताकत की समस्या है, तो दोस्तों उनको दूर करने के लिए बिल्कुल नेचुरली ढंग से ये तैयार होता है, और अब बिल्कुल आपको कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बहुत ही बेहतरीन औषधि है। और दोस्तों इसको दिन में 2 बार आप प्रयोग करें, अगर सुबह सुबह खाली पेट कर लें, इसके बाद शाम में जो खाना खाने से 2 घंटा पहले इसका सेवन करें। इस तरह से आप करते हैं ना तो आपकी जो शरीर में जो सही करता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आँव, पेचिस या पेट दर्द या कब्ज की शिकायत है, तो दोस्तों इसी तरह इसका रस निकालना है, और उसमें क्या करें, 2 काली मिर्च मिक्स कर दें। वहाँ पे मिश्री मिक्स नहीं करना है दोस्तों, मिश्री की जगह आप काली मिर्च मिक्स कर दें और इसके बाद इसका सेवन करें। दोस्तों पेट से लेके कोई भी समस्या हो, कब्ज की या दस्त की या किसी भी प्रकार का समस्या हो, उसको दूर करने के लिए शीशम के पत्ते बेहतरीन औषधि है। दोस्तों यह मधुमेह डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप क्या करेंगे, इसके लिए इसके पत्ती को ले आएँ और उसमें काली मिर्च 6 7 8 10 पत्ती ले आइए, और उसमें 2 काली मिर्च मिला करके उसका सुबह सुबह आप सेवन करें, चबा करके खा जाएं, इसके बाद उसमें पानी पी लें। दोस्तों डायबिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है, मैंने दोस्तों बताया मूत्र विकार। जी हाँ दोस्तों, मूत्र विकार में जैसे कि पेशाब में जलन होता है, रुक रुक के आता है, या फिर कोई तरह की इन्फेक्शन हो गया है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है यह औषधि है। उसके लिए क्या करेंगे आप, बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों। आप ये शीशम की पत्ती ले आएँ और इस तरह से 10 से 15 पत्ती ले आएँ और उसका क्या करें, काढ़ा बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप 15 पत्ती ले आएँ ना, उसको धुल करके ये 1/2 लीटर पानी में इसको उबालना है। जब 1/4 बच जाए उस पानी का आप सेवन करें, सुबह शाम सेवन करें। दोस्तों दिन में 2 टाइम करें। आपकी जो पेशाब संबंधी है, किडनी में जो इन्फेक्शन हो गया है या फिर गंदगी है, उसको साफ करता है, और पेशाब संबंधी कोई भी समस्या हो, जैसे जलन और रुक रुक के आना, दर्द होना, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो, उसको दूर करने के लिए शीशम की पत्ती का काढ़ा बहुत बेहतरीन काम करता है। दोस्तों अगर किसी को चर्म रोग हो गया हो, त्वचा रोग हो गया हो, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या किसी भी प्रकार का फोड़े फुंसी इन्फेक्शन हो गया हो, तो दोस्तों इसके क्या करें, इसके पत्ती को पानी में उबाल करके उस पानी से स्नान करने के बाद स्किन रोग पे बहुत जल्दी आसान हो जाता है उसको सही करना। दोस्तों स्किन रोग को यह दूर करता है। तो बस दोस्तों इसके पानी को उबाल करके आपको नहाना होता है। दोस्तों अगर आँख में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे आँख में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे लालिमा आ जाता है, दर्द करता है और सूजन हो जाता है, बहुत खतरनाक दर्द करता है दोस्तों आँख का, या फिर किसी भी प्रकार का अगर कोई इन्फेक्शन हो या दिक्कत हो, तो दोस्तों आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसके पत्ते को ले आएँ, कोशिश करें दोस्तों ताज़ी पत्ती मिले और नर्म पत्ती, आप उस पत्ती को 10 15 पत्ती ले आएँ और उसको पीस करके एक साफ कॉटन के कपड़े पे इसको लगा करके अपने आँखों के ऊपर इसको रख लें। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अगर 5 मिनट आप अपने आँखों के ऊपर रखते हैं तो आपकी आँखों की जो लालिमा होता है ना, जो दर्द होता है, यह सही करता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इसका तासीर जो होते हैं ना, ठंडी होते हैं, जिसके वजह से आपके आँखों को ठंडक देगा, और आपके आँखों में जो जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है या सूजन हो गया है या लालिमा हो गया है, उसको यह सही करता है। तो दोस्तों आप दिन में इसको 2 बार ऐसे कर सकते हैं, और कोशिश करें दोस्तों उस दिन धूप में ना निकलें और घर के अंदर ही ये प्रयोग करें। तो इस तरह से करते थे, आपके आँखों से लेके भी कोई भी समस्या हो ना, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों शीशम के पत्ते बहुत सारे बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है, खास करके पुरुषों में, महिलाओं में जो होता है उनमें भी बहुत अच्छे इसका प्रयोग है। तो दोस्तों शीशम के पत्ते का आप प्रयोग करें, बहुत ही बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों ये सबसे अच्छी बात है कि आप इस 1 रुपया खर्च नहीं करना होता है, बहुत आसानी से पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज हमने बताया शीशम के पत्ते के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।